आज मैं आपको बताऊंगा फ़्लिपकार्ट में एस क्लेम कैसे करते हैं कई बार जैसे हम प्रोडक्ट भेजते हैं और हमारे पास में गलत प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको हम एक्चुअली कैसे कंप्लेंट करें ये देखिए मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट भेजा था जो छः सौ का था जो मेरे पे रॉन्ग प्रोडक्ट आ चुका है तो अब मैंने एक्चुअली यहाँ पर इशू रेस करना है कि क्या क्या एक्चुअली प्रोडक्ट जो है मेरे पे गलत आया तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो आई हैव रिसीव द रोंग प्रोडक्ट तो ऐसे करके मेन डालना है और फिर उसके बाद में लेबल की फ़ोटोज़ लेनी है प्लस में फ़ोटोज़ लेनी है जो एक्चुअली प्रोडक्ट की तो उसमें भी एक्चुअली क्या है आपको कम से कम छः से सात फोटोज़ लेना है तभी

कस्टमर रिटर्न था और एक दो प्रोडक्ट ऐसे है जो कस्टमर कोरियर रिटर्न है मतलब एक्चुअली कस्टमर तक पहुंचा नहीं है तब भी मेरे पास में गलत रॉन्ग प्रोडक्ट आ चुका था तो इसी तरीके से आपको भी एक्चुअली अपनी फ़ोटोज़ जो है अपलोड करनी है इसी टाइप से ताकि एक्चुअली आपको भी एस क्लेम मिल पाए ये जैसे मेरे पे प्रोडक्ट था ये जो है मैंने भेजा एक्चुअली आपने देखोगे सबसे पहले गोले का हमारा ड्राई फ्रूट में गोले का प्रोडक्ट था बट लेकिन हमारे को रिसीव हुआ है ये तो इसी तरीके से आपको भी हर एक एंगल की कम से कम छः से सात फ़ोटोज़ लेनी है पिक्स डालनी है तभी एक्चुअली आपका एस क्लेम जो है अप्रूव्ड होगा और आगे आप देखोगे एक्चुअली मैं वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एस क्लेम जो है मेरा अप्रूव हुआ या नहीं कम से कम जैसे पाँच से छः अब इसके अंदर रीज़न डालना होता है जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि कुछ भी कि आई हैव गिवन द दिस दिस प्रोडक्ट और आई हैव रिसम अ डिफरेंट प्रोडक्ट तो आपको कुछ लिख के भी डालना पड़ेगा नहीं तो एक्चुअली आपका ये सबमिट नहीं हो पाएगा और जब आप एक्चुअली इसको सबमिट करेंगे तो ईजीली से फिर ये प्रोसेस में चला जाएगा अभी ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा एक्चुअली मैंने आपका यहाँ लिख दिया है कि आई एम नॉट डीलिंग इन दिस प्रोडक्ट और मैं इसको सबमिट करना जा रहा हूँ तो एक फोटो जो है क्लिक नहीं हो पा रही है तो मैं इसको दोबारा करने की कोशिश करता हूँ अगर नहीं होता तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इसी तरीके से आप भी अगर एस पी एफ़ में अगर आपका भी कोई प्रोडक्ट रॉन्ग प्रोडक्ट आ चुका है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो ये देखिए मेरी जो है छः सौ तीन रुपये का प्रोडक्ट था जो सेल हुआ था और इसमें मैं आगे दिखाऊँगा मेरे को एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है तो इसी तरीके से अब ये मैंने फ़ोटो डिलीट कर दी है क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पा रही थी तो अब ये मैं सबमिट हो चुका है तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मेरे एक्चुअली टोटल छः क्लेम किए हुए थे और ये मेरा पेंडिंग में प्रोसेस में चला गया है तो ये जो है मेरे पाँच ऑलरेडी एक्चुअली अप्रूव हो तो चुके थे जिसकी पेमेंट आ चुकी है तो अब ये जो मेरे को दिखा रहा हूँ मैं आपको दोबारा ये देखिए ये वाला भी मेरा अप्रूव हो चुका है जिसके अंदर छः सौ का था और मेरे को तीन सौ तो इसी तरीके से आपको पूरा नहीं आता बट लेकिन सिक्सटी परसेंट करीब हुआ फिफ्टी परसेंट पेमेंट आ जाता है सो डैट एक्चुअली जो आपका लॉस है वो कम से कम होता है तो इसी तरीके से अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो अच्छी बात है नहीं तो आप इस तरीके से अप्रूव कर सकते हैं नाइन्टी परसेंट केसेज में बढ़िया रहता है